Hey what's up guys, this is Sanju and welcome back to again my YouTube channel. So guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नए लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करके दिखाने जा रहा हूँ, जिस लोन एप्लीकेशन से आप ले सकते हो बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा खासा लोन अच्छे खासे समय के लिए. तो गाइज, अगर आप बहुत सारे पुराने लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको लोन नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना. चैनल बनाए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. और सबसे जरूरी बात, लोन तभी लेना जब आप लोन को चुका सकते हो, टाइम टू टाइम लोन का रिपेमेंट कर सकते हो, और सही में कोई इमरजेंसी होगा, आपको पैसों की ज़रूरत होगी, तभी लोन के लिए अप्लाई करना. और गाइस, सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई भी लोन एप्लीकेशन आपको लोन देने से पहले एक भी रुपया मांगता है प्रोसेसिंग फीस या फिर सिक्योरिटी मनी के नाम पे, तो बिल्कुल एक भी रुपया मत दीजिएगा किसी भी एप्लीकेशन को, ठीक है. चलिए दोस्तों, अब मैं आपको रिव्यू करके दिखा देता हूँ कौन सा है ये लोन एप्लीकेशन. लेकिन उससे पहले गाइस, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दो ऐसे एप्लीकेशन के लिंक मिल जाएंगे, जिन दोनों एप्लीकेशन को आप सिर्फ रेफर कर करके महीनों के हज़ारों रुपये कमा सकते हो. मैं खुद कमाता हूँ, ओके. पहला है ग्रो, जिसको आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के देगा लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको 100 रुपये मिलेगा, मुझे भी 100 रुपये मिलेगा. उस 100 रुपये को इजीली आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो. करना क्या है, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के देगा लिंक से आपको ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है. डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया हूँ. आधार कार्ड पैन कार्ड से KYC करना है. उसके बाद आपका जब 1 से 2 दिन में मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर KYC करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है. जैसे ही एक्टिवेट होगा आपको 100 रुपये मिल जाएगा, उस पैसे को इजीली आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर लेना, ओके. और उसके बाद गाइज, आप किसी को भी रेफर करते हो तो उसको भी 100 रुपये मिलेगा, आपको भी 100 रुपये मिलेगा. ऐसे कर करके हर महीना आप 1 लाख रुपये कमा सकते हो. किसी से ना 1 रुपये इन्वेस्ट कराना है ना करना है आपको, खाली आपको KYC करना है और रेफर कर करके पैसा कमाना है. गाइज, दूसरा एप्लीकेशन है ICICIDirect.com. इस एप्लीकेशन का भी लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के देगा लिंक से इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो. आधार कार्ड पैन कार्ड से KYC करना है, इसमें भी सेम ग्रो की तरह. उसके बाद ये एप्लीकेशन भी 24 घंटे के अंदर अंदर KYC करने के बाद एक्टिवेट हो जाता है, और ये एप्लीकेशन आपको पर रेफर देता है 250 रुपये, ओके. लेकिन इसमें आप किसी को रेफर करते हो तो उसको कुछ नहीं मिलता है, वो आगे किसी को रेफर करेगा तब उसको मिलेगा. लेकिन आपको मिल जाएगा अगर वो बंदा KYC अच्छे से कर लेता है, सफलतापूर्वक कर लेता है KYC, तो आपको 250 रुपये जरूर मिल जाएगा ICICIDirect.com एप्लीकेशन से. तो इस एप्लीकेशन को भी आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के देखे लिंक से डाउनलोड कर सकते हो और सिर्फ रेफर कर करके महीनों के 1000 रुपये कमा सकते हो. मैं खुद कमाता हूँ, मैं बहुत सारे वीडियो में आपको प्रूफ भी दिखाया हूँ. मैं हर वीडियो में नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, ओके. तो इन दोनों एप्लीकेशन का लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन के बारे में. तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं. सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं इसी एप्लीकेशन का आपको रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ. इस एप्लीकेशन का नाम है स्पीड फाइनेंस, ओके. स्पीड फाइनेंस लोन ऐप इस एप्लीकेशन का नाम है. 4.6 की रेटिंग है, 500K+ इस एप्लीकेशन के डाउनलोड्स हैं. 4.6 की रेटिंग है, 500K+ इस एप्लीकेशन के डाउनलोड्स हैं. गाइज, आप सी ऑल रिव्यूज करके रिव्यूज वगैरह पढ़ लेना, रेटिंग वगैरह देख लेना, देन आप लोन के लिए अप्लाई करना, ओके. पूरा सी ऑल रिव्यूज यहाँ से हो जाएगा. रिव्यूज वगैरह पढ़ लेना, रेटिंग वगैरह देख लेना, देन आप लोन के लिए अप्लाई करना. अब इस एप्लीकेशन का मैं अबाउट सेक्शन ओपन करता हूँ, प्रॉपर डिटेल आपको शेयर कर देता हूँ. तो भाई लोग, यहाँ पे देख लो, ये एप्लीकेशन 100% पेपरलेस आपको लोन देता है. कोई भी पेपर वाला काम यहाँ पे नहीं है. आप यहाँ से लोन ले सकते हो 5,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का, ओके. इजी ईएमआई ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है. 3 महीने से लेके 12 महीने तक का आप ईएमआई बनवा सकते हो. 3 महीने से लेके 12 महीने तक का टेन्योर बना देता है यहाँ पे गाइस. 3 महीने से लेकर 12 महीने तक का आपका टेन्योर बना देता है. लेकिन दोस्तों, ये आपके लोन के ऊपर डिपेंड करता है कि छोटा लोन आप ले रहे हो या फिर बड़ा लोन ले रहे हो. छोटा लोन लोगे तो कम दिन का ईएमआई बनेगा, बड़ा लोन लोगे तो ज़्यादा दिन का ईएमआई आपका बन जाएगा. 3 महीने से लेकर 12 महीने तक का आप टोटल बनवा सकते हो, ओके. यहाँ पे क्विक लोन एप्लीकेशन प्रोसेस है, ओके. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 100% पेपरलेस एप्लीकेशन है, पहले भी मैं आपको बताया हूँ, ओके. यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो नो रीपेमेंट चार्जेस है, ओके. यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी की, तो आपका मिनिमम एज 23 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 54 ईयर्स होना चाहिए, ओके. 54 ईयर्स के ऊपर हैं तो लोन नहीं मिलेगा, ओके. एम्प्लॉई आप होने चाहिए प्राइवेट लिमिटेड, आप चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आप सैलरीड होने चाहिए और आपकी इनकम 15,000 होना चाहिए. और ये जो 15,000 रुपये है ये आपके बैंक में आना चाहिए, क्रेडिटेड टू सैलरी अकाउंट. मतलब आपके बैंक में ये 15,000 रुपये हर महीना अगर क्रेडिट हो रहा है या फिर इससे ज़्यादा हो रहा है, कम नहीं होना चाहिए, तभी आपको लोन मिलेगा, ओके. आपका सिविल स्कोर होना चाहिए 600+ विथ नो रिपेमेंट इशू इन द लास्ट 6 मंथ. मतलब कि गाइज, आपका सिविल स्कोर भले 600 है 601 है 602 है, मतलब 600 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन पिछले 6 महीना में आप जिन भी लोन एप्लीकेशन से या फिर किसी से भी कोई भी सामान फाइनेंस कराया हो, मोबाइल गाड़ी कुछ भी, उसका लोन अगर आप चुकाए हो टाइम टू टाइम 6 महीना रेगुलर, तब तो आपको लोन मिल जाएगा इस एप्लीकेशन से.
तो गाइस पिछला आपका जो भी लोन है पिछले 6 महीने से अगर आप चुका रहे हो टाइम टू टाइम, तो आपका अगर 6+ सिविल है तो इस एप्लीकेशन से आपको लोन मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पर्सनल लोन, ओके। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करें तो यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड। गाइज यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ भी देना है, उसमें एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ओके, आधार कार्ड, और यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट भी देना है लास्ट 3 मंथ्स का, जिसमें आपकी सैलरी 15,000+ हर महीना क्रेडिट हुई है। गाइज यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट भी देना है पिछले 3 महीने का, लास्ट 3 मंथ्स का, और उसमें आपका सैलरी शो होना चाहिए कि आपके बैंक में हर महीना 15,000+ सैलरी आया है कहीं ना कहीं से, किसी भी कंपनी से, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, ओके। तो आपको वही बैंक अकाउंट ऐड करना है जिसमें आपकी सैलरी आती है और 3 महीने से आ रही है और 15,000+ आ रही है, ओके। यहाँ पे गाइस 3 महीने का सैलरी स्लिप चाहिए, और यहाँ पे लिखा है सोइंग 15K+ नेट टेक होम सैलरी, मतलब कि उस सैलरी स्लिप में शो होना चाहिए कि 15K+ हर महीना आपका सैलरी है आ रहा है, तो वही 3 महीने का सैलरी स्लिप आपको देना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल देके भी समझाया कि भाई अगर आप सैलरी और लोन अप्लाई करते हैं तो आपको अगर 50,000 का लोन मिलता है तो 12 महीने के लिए मिलेगा, इंटरेस्ट रेट आपका इतना रहेगा, इतना आपके बैंक में डिसबर्स किया जाएगा, इतना प्रोसेसिंग फीस रहेगा, इतना GST रहेगा। तो गाइस आप ये एग्जांपल वगैरह पढ़ लेना, देन आप लोन के लिए अप्लाई करना। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका मेल वगैरह है, कोई भी दिक्कत आए आप इनसे मेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यही पूरा एप्लीकेशन था गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लोन मिलता है तो कमेंट करके बताना, बाकी अगर इस एप्लीकेशन से लोन मिलने में कोई भी दिक्कत होता है तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का। ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन सिर्फ आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से ही लोन दे देता है मिनटों में। गाइस अगर आपको लोन मिलने में कोई भी दिक्कत होता है तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का। ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से आप लोन ले सकते हो। अगर आपका थोड़ा बहुत कम सिविल है, आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, तो ट्रू बैलेंस की खास बात यह है कि सिर्फ आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से ही ट्रू बैलेंस, अगर आपका थोड़ा बहुत कम सिविल है, थोड़ा बहुत खराब सिविल है, ज्यादा नहीं, तो आपको लोन दे देता है। तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के देखे लिंक से ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और मिनटों में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। गाइस मैं आपको बता दूं ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन में 2 तरीके के लोन मिलते हैं, एक लेवल अप लोन, एक कैश लोन। अगर आप कैश लोन लोगे तो हो सकता है वहां पे आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़े, क्योंकि ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन कैश लोन स्टार्टिंग में ही आपको ज्यादा ऑफर करता है, ज्यादा देता है। बट गाइस अगर आप लेवल अप लोन लेते हो तो कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं, कोई सैलरी स्लिप नहीं, आप सिंपल से मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के देखे लिंक से लेवल अप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। हालांकि स्टार्टिंग में कम मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोन का रिपेमेंट करते जाओगे, टोटल 11 लेवल होते हैं, 1,00,000 रुपए तक का लोन आप ले सकते हो जैसे ही 11वें लेवल पे पहुंचोगे। और सबसे खास बात यह है कि आपका सिविल कम है फिर भी आपको लोन देता है, और अगर आपको 2,000 का भी लोन देगा तो आराम से 3-4 EMI उसका बनाएगा ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन। ये नहीं कि 7-15 दिन में बोलेगा कि लोन चुका दो। तो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी गाइज मैं आपको बता दूं कि हालांकि इंटरेस्ट रेट ट्रू बैलेंस में थोड़ा बहुत ज़्यादा है, बढ़ गए आपको मिनटों में लोन दे देता है, और कम सिविल पे आजकल कौन लोन देता है, लेकिन ट्रू बैलेंस दे देता है। तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के देखे लिंक से आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पहले ही बताया लिंक है ग्रो और ICICIdirect.com का, डाउनलोड करो और दिन भर में 10 लोग को भी रेफर कर दोगे तो सोचो कितना पैसा कमा लोगे। तो गाइज यही था आज के इस वीडियो में, चलिए जी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।